Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jung. Janab, stats jo hai na, unpe badi discussion hoti hai. And I'll come to you, Ahmed ji. Pakistan aur Bharat aakar ke upar baat ho rahi hai. Stats ke aitbaar se kaun sa khiladi aaj jo ki trump card jo hai na wo sabit ho sakta hai at this venue? देखें, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात हो तो फौरन ज़हन में एक मैचअप आता है जो बाबर आजम और विराट कोहली का जो कंपैरिजन है आपस में आता है. इन दोनों के अगर कंपैरिजन को हम देखें तो जो इमीडिएट जो उनके हिस्ट्री है T20 क्रिकेट की, वो ये बताती है कि विराट कोहली ने जो पिछले 32 T20 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं IPL इंटरनेशनल मिला के, उसमें उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 152 है. और बाबर आजम का भी अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में ग्रेजुअली उनका जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव हो रहा है. लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर हम नंबर्स देखें तो बाबर आजम के नंबर ऑफ रन विराट कोहली से ज़्यादा हैं, लेकिन विराट कोहली का जो डॉट बॉल खेलने की रेशियो है वो बाबर आजम से कम है. तो विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है वहाँ पर आना, इनिंग्स को क्रिएट करने में उनका जो एक स्टेबल करने का जो रोल होता है दरमियान में, वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बाबर आजम के. इसमें बाबर आजम के रन भी ज़्यादा हैं, लेकिन बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है विराट कोहली से अगर हम कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा कम है उसके. बट एक बात मैं यहाँ पर अलबत्ता, अगर बहुत ज़्यादा क्योंकि डेटा के ऊपर बात होती है, मैचअप्स के ऊपर बात होती है, बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट वो 125 का है. और मोहम्मद रिजवान का भी जो लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट हम अगर स्ट्राइक रेट देखें तो वो को बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 132-133 के अराउंड है. तो अर्शदीप सिंह जो है, बुमराह की बहुत ज़्यादा बात यहाँ पर हो रही है, बुमराह की डेफिनेटली उन्होंने तैयारी भी की होगी, लेकिन अर्शदीप सिंह जो है वो देखना पड़ेगा कि बाबर आजम और रिजवान उनको किस तरह से डील करते हैं. और अर्शदीप ने तंग किया हुआ है पाकिस्तान को एशिया कप में भी अगर देखें और गुज़श्ता वर्ल्ड कप. बाबर आजम की जो दुबई के अंदर आपको याद होगा कि बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे अर्शदीप सिंह की बॉल पे, तो ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम उसको किस तरह से डील करते हैं. अच्छा, जहाँ ये सारी बातें हो रही है वहाँ पे लेट्स सी ना, आपको तैयार रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए. अगर लेट्स से टॉस हम हार जाते हैं और हम बैटिंग में आते हैं, लेट्स सी, और एक विकेट भी गिर जाती है क्योंकि तैयार रहना है, तो होता ये पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है एक विकेट गिरने की देर है तो हम संभल नहीं पाते, तो आज तो संभलना होगा. ये कैसे अपने आप को कंपोज रखेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नोइंग खुदा न खास अगर एक विकेट गिर भी जाए तो? आई थिंक फॉर देम जो सबसे अच्छी बात यह है कि इससे ज़्यादा और किधर पीछे जाएंगे, यू नो दे हैव फॉलन डाउन, नाउ दे कैन ओनली गेट बैक अप, इससे अब पीछे किधर जाना. तो आई थिंक जैसे शुरू में यहाँ बात हुई, राय साहब ने कहा कि दे हैव टू फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार बिकॉज दे कैन नॉट डिवेल इन द पास्ट, वो अच्छी नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई. तो आज एक हमला करें, फॉरगेट अबाउट के व्हाट वेयर कैन हैपन टू अस, करके तो देखें, ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ. और ये पिच में बड़ा रिस्पॉन्स है, अनलाइक द प्रीवियस जो आउटिंग्स है उस तरह की पिच नहीं है, बड़ा डिफरेंट है ये, और इसमें सर्व टू आर एडवांटेज ठीक है. और उसमें अगर आप पहले खेलते गिरते पड़ते 130-140 कर लेते हैं तो वो मुसीबत है यहाँ पे किसी भी बैटिंग साइड के लिए, इंडिया हो या कोई भी हो. तो अगर आप राइट एरियाज में बॉलिंग करेंगे और अगर आपने कैचिंग भी अपनी सही कर ली, कैच पकड़ ली, अवेलेबल चीज़ें जो हैं, तो फिर आप खासी मुश्किलात कर सकते हैं कॉज इंडिया को, और इंडिया नोज दैट ठीक है. इसलिए वो कम्प्लेसेंट नहीं है, देयर ऑल द टॉक कमिंग फ्रॉम देम इज शोइंग रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान एज एन ऑपोजिशन इज पार्टली बिकॉज ऑफ द पिच. दे नो के वो दोनों तरफ मैच जा सकता है एंड दे आर नॉट कंसीडिंग, ऐसी कोई बात नहीं वो कर रहे कि जी ऐसी यह कर देंगे ऐसी यह कर देंगे, दे ऑल्सो नो कुछ भी हो सकता है. इमाद की बात करेंगे, एमएस साहब, इमाद का अगेंस्ट इंडिया मैं आपसे चाहूंगा कि रिकॉर्ड उनके इसमें क्या रह चुके हैं, बट सब इमाद वसीम का अचानक से इंडिया के खिलाफ मैच इस तरह से खेलना है तो सीनियर प्लेयर, उस तरह से प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अगेन वही बात, अगेंस्ट इंडिया है, यूएसए से हारे हुए हैं, आखिरी चांस है एक हिसाब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इमाद पर भी कोई प्रेशर होगा अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है? बात तो ये है ही नहीं, बात तो ये है कि अगर इमाद नहीं खेलता तो आजम खेलता, तो अब आपने किसको खिलाना है? देखिए हमारे तो हालात ही और है ना, हम इसलिए तो चेंज कर ही नहीं रहे कि कोई टैक्टिकल चेंज है कि यार इंडिया के खिलाफ इसको होना चाहिए इसको नहीं. आप तो इसलिए कर रहे हैं कि जो बंदा है वो चल ही नहीं रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो आपने कहा चलो इसको डाल लेते हैं. सो हमारी वजूहत और है, वी आर नॉट इन विद अ चॉइस कि यार से बेहतर कौन सा, इंडिया के खिलाफ किसने ज़्यादा स्कोर किया हुआ है या कौन ऑपरेट करेगा तो इस पिच पे फायदा होगा. बेसिकली तो यहाँ पे 5वां फास्ट बॉलर आना चाहिए. बिल्कुल, लेकिन बात इमाद की हो रही है. जो फास्ट बॉलर की आप बात कर रहे हैं, बैटिंग जो हमारी पहले ही वर्नेबल है, मतलब उसको मुश्किलात रही हैं इस इवेंट में भी और हमने पहले भी देखी, हमारी बॉलिंग भी अंडर प्रेशर रही है. रीसेंट क्रिकेट हुई है इसमें हमने एक कमज़ोर टीम के खिलाफ भी 190-190 रन करवा लिए,
pitch Ireland is the biggest player. Yeah, I'm talking about Ireland. Sir, we will, is match ki baat we will have a detailed discussion. Keep watching because break pe jana hai. Break se aake aapke messages shamil karenge. Keep watching. Jeet ki jang.